हैशटैग ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम H5P या लूमी एडिटर में इमेज हॉटस्पॉट्स बना सकते हैं और ये एक्टिविटी ई कंटेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम H5P के अंदर हॉट एंड स्पॉट का इस्तेमाल करके एक शानदार ई कंटेंट बना सकते हैं। तो हमने लूमी जो H5P का एडिटर है इसको ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम ऑफलाइन में रहकर H5P के अंतर्गत यहाँ पे कई प्रकार के जो टूल्स हैं उनको यहाँ पे हम उसमें ई कंटेंट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ई कंटेंट हैं। इसमें हम इमेज हॉटस्पॉट आज बनाना सीखेंगे, ये वाला कि इसको हम कैसे इमेज हॉटस्पॉट इसके अंतर्गत हम एक्टिविटी बना सकते हैं। तो ये किस प्रकार बनती है इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे ये ओपन हो रहा है हॉट एंड स्पॉट। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार इसमें एक शानदार एक्टिविटी बनाई जा सकती है। तो हम सबसे पहले इंटरनेट क्रोम में जाकर यहाँ पे खोल लेते हैं और यहाँ पे H5P यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे H5P यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका इंटरफेस खुल जाएगा H5P का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने अकाउंट बना रखा है मैं लॉगिन करूँगा इसमें, तो मेरा अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ई कंटेंट बना रखे हैं, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने सारे ई कंटेंट हैं। तो इसमें हम एक देख लेते हैं कोई एक एक्टिविटी कि किस प्रकार इसमें एक्टिविटी बनाई जा सकती है। तो जैसे इसमें वेलकनो लेबलिंग है, इसी प्रकार इसमें यहाँ पर लेक है, इंडियन लैंड एक्टिविटी है और यहाँ पे रिवर है। तो हम एक रिवर वाला एक्टिविटी ले लेते हैं। जैसे मैं ओपन करूँगा आप देख रहेंगे आइडेंटिफाई द मेजर इंडियन रिवर्स ऑन द मैप एक्टिविटी, ये बनाइए। ये इमेज हॉट एंड स्पॉट एक्टिविटी है और इसमें आप देख रहे हैं ये जो प्लस के चिन्ह है ये हमारे हॉट स्पॉट है, ये हॉट स्पॉट है और ये हमने लगा रखे हैं। तो इस एक्टिविटी में बच्चे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिवर्स के नेम कि ये कौन कौन सी रिवर्स हैं। सपोज़ अगर बच्चों से हम पूछा जाए कि ये कौन सी रिवर्स है तो बच्चे इसको अपने आप करेंगे और सीख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी रिवर है। सपोज़ ये वाली रिवर है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आ रही यमुना रिवर। इसी प्रकार इसको क्लिक करेंगे तो ये आएगी गंगा रिवर। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे कई और रिवर्स हैं, इसको क्लिक करेंगे तो आएगी महानदी रिवर। तो इसी प्रकार बहुत सारी एक्टिविटी हॉट एंड स्पॉट की बनाई जा सकती है। तो ये तो था इंडियन रिवर्स का, ऐसी आप यहाँ पे और बना सकते हैं लेवल ऑफ इंडियन रिवर्स। रिवर्स के साथ हम यहाँ पे लेक्स की भी एक्टिविटी बना सकते हैं। यहाँ पे लेक्स होंगे ये इंडियन लेक्स की, और ये जैसे हमारे यहाँ पे लेक्स हैं, ये मेजर लेक्स कौन कौन से हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें नेम भी आ रहा है प्लस आपके सामने इमेज भी आ रहा है, आप इमेज भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है टेरी लेक, ये टेरी लेक है साथ में उसकी इमेज भी है। ऐसे हम यहाँ पे चलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे चिल्का लेक, उसकी फ़ोटो भी हमने डाली, आप वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं। तो एक शानदार एक्टिविटी है। तो इसी एक्टिविटी को हम देखते हुए क्या करेंगे, आज एक शानदार ई कंटेंट बनाएंगे। तो ई कंटेंट आप डायरेक्ट H5P में भी बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू ई कंटेंट जाकर आप यहाँ बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे फिलहाल अभी वो अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे पेड हो गया है। तो इससे अच्छा है कि आप लूमी में जाकर उसको
बना लें और यहाँ जाके उसको अपलोड कर लें। तो अब कैसे बनेगा, अब हम इसमें लूमी में आते हैं और मैं आपको एक वेलकनो के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम वेलकनो का यहाँ पर एक इमेज हॉटस्पॉट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेलकनो इरप्शन, जो हमारा टाइटल होगा वो वेलकनो वेलकनो इरप्शन मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हम यहाँ पे करेंगे। इसके लिए हमें एक इमेज चाहिए, तो इमेज मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, वो मैं यहाँ पे उसको क्लिक कर देता हूँ इमेज को। तो यहाँ पे देखना इमेज आएगी हमारी, तो इमेज जैसे मैंने ये ले ली है, ये इमेज मैंने ले ली है वेलकनो, पार्ट्स ऑफ वेलकनो। तो वेलकनो इरप्शन या यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेबल द पार्ट्स ऑफ वेलकनो, ये भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसमें हम यहाँ पे हॉटस्पॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको किस प्रकार के आइकन चाहिए, अपलोडेड आइकन चाहिए या यही जो डिफॉल्ट आइकन है वो ये वाले डिफॉल्ट आइकन है। अपलोडेड में आप अपना भी बना के कोई आइकन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे प्लस या माइनस टाइम्स चेक या क्वेश्चंस का ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो कलर आ रहा है ये वायलेट आ रहा है, तो आप इमेज के अनुसार लगाएं जो वो हाईलाइटेड हो। तो वायलेट की जगह पे हम यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, क्योंकि इमेज हमारी किस प्रकार की है, रेड, डार्क रेड और ब्राउन कलर की है। तो हमने ग्रीन ले लिया है। तो अब ये पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको चूज कर लिया हमने, तो आप देख रहे हैं ये डॉट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये पहला हॉट स्पॉट है। तो आप इसमें हॉट स्पॉट जब हम लगाएंगे तो आप सबसे पहले ये जो बादल दिख रहे हैं ऊपर, इस पर लगाएंगे, या आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। हम ऊपर लगा लेते हैं, ये डॉट पे हमने लगाया। तो इसको हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे हम इसको, या वीडियो देंगे यहाँ पे, या इमेज देंगे। तो हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एस क्लाउड, ए एस एच क्लाउड। एस क्लाउड इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे। तो ये एस क्लाउड है, एस क्लाउड का मतलब हो गया ये राख वाला बादल। इसके बाद आप चाहते हैं कि मेरे को और हॉट स्पॉट लगानी है, यहाँ पे इमेज हॉट स्पॉट लगानी है, तो आप क्या करेंगे, ऐड और जोड़ेंगे इस पर। जैसे क्लिक करेंगे आप, इमेज वही आ जाएगी अपने आप, एक आपने लगा लिया था। अब कहाँ पर लगाएंगे आप, यहाँ पे लगा लेंगे, ये यहाँ पे, यहाँ बीच में। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे, इसको भी हम इमेज क्लिक करेंगे, तो ये आता है आपका लावा, लावा। इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, ये हमने बोल्ड कर लिया। इसके बाद फिर एक और हॉट स्पॉट लगाते हैं हम, यहाँ पे लगा लेते हैं हम ये इसको बोलते हैं मेन विंड, ये इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे हम। इसको भी टैक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसका नाम मेन, मेन विंड, जो नली होती जहाँ से लावा निकलता है, इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे, ये हमने बोल्ड कर लिया। इसके बाद एक और लगाएंगे हॉट स्पॉट, अब हम लगाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका नाम यहाँ पे दे देंगे हम इमेज, टेक्स में हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको लेयर्स ऑफ लावा, इसको लेयर्स ऑफ लावा हमने नाम यहाँ पर दे दिया। इसके बाद और भी हैं इसमें, इसके बाद ये वाला नीचे जो मेन है इसका सबसे, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। फिर टेक्स में गए, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसका नाम आएगा आपका मैग्ना चैम्बर, इसको बोलेंगे, जहाँ पे लावा
उबलता है और वहीं से प्रेशर बन के बाहर निकलता है। एक और हॉट स्पॉट लास्ट हम इसमें यहाँ पे दे देंगे, ये जो पतली सी जड़ें सी दिख रही हैं ये, इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। इमेज में गए, फिर टेक्स्ट लिया, यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम सेकेंडरी, सेकेंडरी वेंट। तो आपने देखा कि हमने लगभग काफ़ी सारे ना हॉट स्पॉट बना लिए। अब एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं कि ये सही भी बना हुआ है कि नहीं, हमारा जितना हमने काम किया सही काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ से प्ले करके देख लेंगे, व्यू करके देख लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने बनाया था, हमने क्वेश्चन मार्क लिया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने इमेज हॉट स्पॉट लगाए। तो जैसे पहले इसको क्लिक करेंगे, देखो एस क्लाउड आ रहा है, दूसरा आ रहा है यहाँ पे लावा, ये आ रहा है हमारा लेयर्स ऑफ लावा, ये लेयर्स दिख रही है लावा की, ये आ गया आपका सेकेंडरी वेंट जो बारीक से नलिया है, ये मेन है मेन वेंट, और ये आपके क्या आ गया मैग्ना चैम्बर। तो देखा आपने ये कितनी शानदार इमेज हॉट स्पॉट बनी है, काफ़ी इंटरेक्टिव है, इसको और इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। तो इसको हम एडिट करेंगे। अब आप चाहते हैं कि इसका जो वेलकनो है इसका एक वीडियो भी इसमें डाला जाए, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था एस क्लाउड हमने डाला था यहाँ पे, उसके बाद दूसरे में था ये लावा। अब यहाँ पर हमने एक ले लिया था लावा, यहाँ पर टैक्स, हम यहाँ पर एक वीडियो भी डाल सकते हैं। अब वीडियो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पूछेगा कंफर्म, तो यहाँ पर वीडियो आ रहा है, तो वीडियो सोर्स, अब वीडियो का सोर्स हमें यहाँ पे लेना है। अगर आपके पास कोई फाइल पहले से सिस्टम में पड़ी है 15 MB या 16 MB की, वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फाइल अपलोड नहीं करना चाहते, डायरेक्ट यूट्यूब से यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लावा से संबंधित एक वीडियो है हमारे पास, ये हम चाहते हैं कि ये वाला वीडियो हम वहाँ पर इंसर्ट करें। तो इसको आप जा रहे हैं यहाँ पे शेयर में जाएंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे लिंक को, और दोबारा आप लूमी में आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लिंक को, या आपने पेस्ट कर दिया और इसको इंसर्ट यहाँ पे कर देंगे। अब इसके जो विजुअल्स हैं, कुछ ऑप्शन है, वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, इसको हमें ज़रूरत नहीं, ये फिट है, वीडियो प्लेयर कंट्रोल आएगा, ये ठीक है। इसके बाद प्लेबैक ऑटो हम कर लेते हैं कि अपना आप चले, या क्लिक करके जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो को कि प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्यू गए, तो आपने देखा कि इसमें तो हमारा केवल क्लाउड्स था, ये एस क्लाउड, और ये हमारा क्या था लावा। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, एक वीडियो डाला था यहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो प्ले होगा, अभी आप देखेंगे ये यहाँ पे अभी वीडियो आएगा, थोड़ा प्रोसेस में टाइम ले रहा है, तो आप देख रहे हैं। Some volcanic eruptions occur on volcanic islands. Such islands are the tops of volcanic mountains that have been built up from the ocean floor by देखा इसमें हम एक इमेज भी लगा सकते हैं, जैसे वेलकोनो को हमने लगाया, ऐसे ही यहाँ पर एक और हॉट स्पॉट हम यहाँ पे लगा सकते हैं किसी भी उसमें, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे वीडियो हमने डाला था, वीडियो के बाद हम एक इमेज भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हट जाएगा, इसलिए हमें एक अलग से इमेज हॉट स्पॉट और बनाना होगा। तो एक और हम बना लेते हैं, और यहीं पे हम क्लिक करके इसके बगल में यहाँ पे क्लिक करके सॉरी लावा का एक फ़ोटो बना ले, लावा का हम यहाँ पे एक इमेज ले लेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब हमने एक हॉट स्पॉट यहाँ बना लिया है, अब यहाँ पे हमें एक इमेज
डालेंगे। तो इसके लिए पहले से ही हमने एक इमेज सेव कर रखी है अपने सिस्टम में, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया, ये इमेज आई हुई है, इमेज में टैक्स वीडियो इमेज। आप किसी एक को भी जैसे वीडियो डालेंगे तो वीडियो आएगा, और अगर आप इमेज को क्लिक करोगे तो इमेज आएगा, टैक्स को करोगे तो टैक्स आएगा। तो इमेज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज है, अब इसको ऐड करना हमें, ऐड हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इमेज है वेलकनो की, इसको हम ओपन कर लेंगे, ये आ गई। अब इस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है इमेज बड़ी है छोटी है, यहाँ पर उसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहते हैं कि इतनी इमेज चाहिए मुझे, तो आप इतनी इमेज ले सकते हो और इसको सेव कर सकते हो। तो इमेज आपने देखा छोटी हो गई, क्रॉप हो गई, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमने जो अभी इमेज डाली वो कैसी दिखाई देगी। तो ये था, यहाँ पे हमने इमेज डाली थी, ये दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम बाद में अलग कर लेंगे। इससे जैसे मैंने क्लिक किया तो लेयर्स ऑफ लावा आ रहा है और दूसरी इमेज इसके पीछे चलेगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। दोबारा हम चेक कर लेते हैं इसको, एक के ऊपर ही दो हॉट स्पॉट बन गए हैं। तो ये जो हॉट स्पॉट है इसको थोड़ा हम इधर पे कर लेते हैं दूर, इसको हम यहाँ पे इधर पे लगा देते हैं। अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं व्यू करके, तो आप देखेंगे अब ये अलग अलग हो गए। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो लेयर्स ऑफ लावा ये बता रहा है, और इसको क्लिक करेंगे तो एक इमेज आ रही है। ये किस चीज़ की इमेज है, लावा की। तो इस इमेज का हमने नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे गए थे लास्ट में यहाँ पे इमेज, तो इसका नाम लिख सकते हैं लावा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसमें व्यू में जाके दोबारा चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी शानदार एक्टिविटी इसमें बनाई जा सकती है इमेज हॉटस्पॉट के माध्यम से, जिसमें आप वीडियो, टेक्स्ट और इमेज तीनों को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे, तो इसके लिए फाइल में गए और सेव ऑप्शन चुना आपने, तो फाइल यहाँ पर H5P सेव हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप H5 टूल्स का प्रयोग करते रहिए और शानदार ई कंटेंट बनाते रहिए, और इसके साथ साथ और नए ई कंटेंट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जितने भी लिंक हैं उन्हें एक्सप्लोर करिए, तो आपको और ज़्यादा सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा।